हमारी डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चार स्तंभ है, विधानपालिका लेजिस्लेचर यानी संसद, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव यानी सरकार, न्यायपालिका जुडिशी यानी अदालत, और खबरपालिका यानी अखबार एंड टीवी रेडियो जिसे हम मीडिया कहते हैं। क्या आपने गौर किया है इन चारों में से एक स्तंभ मीडिया अपने नींव से हिल गया है? अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों आज वेल एस्टेब्लिश्ड एंड पॉपुलर जर्नलिस्ट मेनस्ट्रीम मीडिया को क्विट करकर यूट्यूब में स्विच कर रहे हैं? जानेंगे आज के इस वीडियो में कि क्यों टॉप जर्नलिस्ट शिफ्ट हो गए हैं मेनस्ट्रीम मीडिया से यूट्यूब पे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर के जरिए शिकायत की कि अभिसार ने मेरे साथ बदसलूकी की। भारत का मीडिया जिस आसमान तले उड़ने की चाहत रखता है उसमें पत्रकारों के पर क्या कतरे जा चुके हैं। देशभक्त के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है जिसका नाम है द केरला लाइज। जो बात हम पिछले 6 महीनों से आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, आज सुप्रीम जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुचली जा रही है। मैं प्रमोद शुक्ला आज ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जिसे आप खुद समझ पाएंगे कि ये जर्नलिस्ट वाकई सच्चाई बताने आए हैं यूट्यूब पे या कोई काला सच है। रिस्क जानने के लिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पत्रकार दो तरह से वर्गीकृत किए जाते हैं। एक वो जो किसी बैनर में काम कर रहे हैं जहां वो स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं है अभिव्यक्ति के लिए, उनका मालिक जैसे लिखवाना चाहेगा या जैसे चैनल पर चलवाना चाहेगा उनको वैसा ही करना होगा। इन बेचारों को सिर्फ तनख्वाह ही मिलती है, बाकी सरकार के गुणगान गाने पर मीडिया हाउस को फायदा होता है, किसी पत्रकार को सीधे तौर पर नहीं। फिर ये पत्रकार बिकाऊ कैसे हुए? बिकाऊ तो ये मालिक हुए ना जिनका पत्रकारिता से कोई भी लेना देना नहीं है। ये तो विशुद्ध व्यापारी होते हैं, बस पैसे के दम पर चैनल चलाओ और संपादक को हायर करो। दूसरे वो पत्रकार हैं जो अपना छोटा मोटा चैनल चलाते हैं, इन्हें भी अपने चैनल को चलाने के लिए रुपए की जरूरत होती है, और ऐसे चैनल देश में कुकरमुत्तों की तरह रोज पैदा हो रहे हैं। अब सरकार इतने सारे को कहां से विज्ञापन दे? तो ये लोग घर चलाने के लिए नेताओं, सरकार, अधिकारी या अन्य लोगों को पकड़ते हैं, पैसे लेकर गुणगान करते हैं या निगेटिव खबरें छापते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज का मीडिया हाउस टीआरपी बेस्ड प्रोडक्शन हाउस बन चुका है। जितनी बड़ी टीआरपी चैनल की उतना ही उन्हें एडवर्टाइजमेंट मिलता है। भारत 140 अरब लोगों का देश है जहां घरों में 20 करोड़ से भी अधिक टेलीविजन सेट है। ये एक बड़ा बाजार है और इसके कारण लोगों तक पहुंचने के लिए विज्ञापन बेहद अहम है। जहां साल 2016 में भारतीय टेलीविजन को विज्ञापन से 243 अरब की आमदनी हुई, वहीं सब्सक्रिप्शन से 90 अरब की आमदनी हुई थी, और यही आंकड़ा 2020 तक बढ़कर विज्ञापन से 368 अरब और सब्सक्रिप्शन से 125 अरब तक पहुंच चुका है। आप सभी को याद होगा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा था कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया के डिवाइस में छेड़छाड़ कर टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी बढ़ाए जा रहे हैं। There were some ex-employees of Hansa who were leaking out the confidential data of the barometers which were installed for meeting TRPs. उन्होंने रिपब्लिक समेत कई चैनल्स के नाम लिए थे। हालांकि रिपब्लिक टीवी का दावा था कि एफआईआर में उनका नाम नहीं है बल्कि इंडिया टुडे का है। बट सवाल यहां ये उठता है कि क्या डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर कहा जाने वाला ये मीडिया क्या वाकई एक मीडिया हाउस है या बिजनेस हाउस है? तो क्या मेनस्ट्रीम मीडिया इज डाइंग? रवीश कुमार ने एनडीटीवी से रिजाइन कर दिया। वो एनडीटीवी से 1994 से जुड़े हुए थे, एक लॉयल पत्रकार की तरह, एक लॉयल एम्प्लॉय की तरह। लेकिन जब अगस्त में अडानी के टेकओवर की खबर आई तो लोगों को ये समझ में आ गया था कि वो अब रिजाइन कर देंगे, लेकिन उन्होंने 2 महीने बाद ऑफिशियली रिजाइन किया। अब इसके पीछे का रीजन मैक्सिमम लोगों को पता ही है, रवीश कुमार मोदी गवर्नमेंट के ओपन क्रिटिक में से एक है। प्रधानमंत्री इतना कुछ ट्वीट करते हैं, अपनी डिग्री ही ट्वीट कर देते। और अडानी जो कि अब एनडीटीवी के मालिक है, उनके मोदी गवर्नमेंट से काफी अच्छे तालुकात हैं, संपर्क हैं। अब इसके बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि रवीश अडानी के अंडर में मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते, और ऐसा प्रेशर उन पे भी ना पड़े इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिनके बाद इन्होंने अपना काम यूट्यूब पे शिफ्ट कर लिया। आज इनके चैनल पर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और हर महीने मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रसून बाजपेयी जी के बारे में। ये भी एबीपी न्यूज पर एक सीनियर जर्नलिस्ट थे और ये वहां पर मास्टर स्ट्रोक नाम से एक शो होस्ट किया करते थे, और इनको भी चैनल से रिजाइन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम जुलाई 2018 में मोदी जी ने एक सभा में चंद्रामानी कौशिक नाम की एक औरत से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात की थी।
जहां इस औरत ने मोदी जी को बताया कि गवर्नमेंट के कई प्रोग्राम्स की वजह से उसकी इनकम डबल हो गई है। अब इसके बाद प्रसून जी की टीम ने इस औरत के बैकग्राउंड को पता करा और इनसे कई डिटेल्स निकाल कर शो में उस वीडियो कॉन्फ्रेंस की रियलिटी को बताया। इन्होंने बताया कि कैसे उस औरत को सिखा पढ़ा कर वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई गई और असल में उसकी इनकम बढ़ी भी नहीं थी। इसके बाद चैनल के एडवर्टाइजर जैसे कि पतंजलि ने चैनल में एडवर्टाइज करने से ही मना कर दिया। और तो और जब भी इनका शो रात में आए तो सैटेलाइट लिंक में प्रॉब्लम होने लगे, जिससे इन पर इनके चैनल की ओर से बहुत प्रेशर हो गया था और लास्ट में इन्हें भी रिजाइन करना पड़ा। लेकिन आज इन्होंने भी अपने आप को यूट्यूब पर एस्टैब्लिश कर लिया है। 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ इनके चैनल में अच्छी खासी व्यूज आने लगी है। ऐसे ही कई और मीडिया पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम चैनल को छोड़कर अपना यूट्यूब में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म शुरू किया। आकाश बैनर्जी जिनका चैनल है देशभक्त, जिसमें मोर देन 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसे कई लाइक अभिषार शर्मा, अभिजीत अंजुमन, श्याम मीरा सिंह, साक्षी जोशी, इनमें से कई सबसे फेमस नाम हैं जिन्होंने प्रेशर के चलते मेन स्ट्रीम को छोड़ दिया और यूट्यूब पर शिफ्ट हो गए। और गौरतलब वाली बात यह है कि ये सारे जर्नलिस्ट ज़्यादातर सरकार के नीतियों के अगेंस्ट बोलते थे, लेकिन जब सरकार को ये पसंद नहीं आता है तो इन पर कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड किया जाता है। और ये पहला वेव ऑफ जर्नलिस्ट था जिन्होंने यूट्यूब पर शिफ्ट कर लिया। बट वाई यूट्यूब? लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या वाकई ये जर्नलिस्ट जो यूट्यूब पर स्विच हुए हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक ऐसी पत्रकारिता को प्रमोट करना चाहते हैं कि जो अनबायस एंड अनइन्फ्लुएंस है, या फिर इन जर्नलिस्ट को भी ये मनी गेम समझ में आ गया है? क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये सारे जर्नलिस्ट या तो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते हैं या अपोजिशन पार्टी को। आप सभी को पता है जिस यूट्यूब चैनल पर मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं एंड मिलियंस व्यूज आते हैं वो करोड़ों में कमाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और अगर ये चैनल पॉलिटिकल बेस्ड चैनल है तो पॉलिटिकल पार्टी से उनको फंड मिलता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है राठियन, आकाश बैनर्जी। आज के टाइम पर कई सारे मीडिया हाउस को भी पता चल चुका है कि फ्यूचर कहाँ है, और इसीलिए अब मेनस्ट्रीम मीडिया के न्यूज भी पहले बहुत खराब क्वालिटी में यूट्यूब पर आती थी, पर अगर आप भी गौर करें उनके थंबनेल देखें बहुत ही शानदार होते हैं, काफी अट्रैक्टिव होते हैं। अब इन मीडिया हाउस को भी यूट्यूब पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है, जिससे ये भी यूट्यूब पर एस्टैब्लिश हो चुके हैं। और तो और कई सारे इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस ने भी यूट्यूब पर अपना जन्म ले लिया है, जैसे कि द क्विंट, द वायर, दी लंदन टॉप, स्कॉल, और ऐसे ना जाने बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो यूट्यूब पर आ चुके हैं। तो जो ये वीडियो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बताइए कि ये जर्नलिस्ट पैसे के लिए यूट्यूबर्स बने हैं या जनता को सच्चाई से अवगत कराने के लिए। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका थॉट प्रोसेस जानने के लिए। लेकिन डिस्पाइट दिस फैक्ट कि यूट्यूब पे सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, लेकिन जब कोई मिसलीडिंग या मिस इन्फॉर्मेशन दे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यूट्यूब पे ऐसे डेली न्यूज एजुकेशनल चैनल्स के राइज में कई ऐसे लोग भी आ गए हैं जिन्होंने अपनी खुद की एजुकेशन पूरी नहीं की अभी तक। वो लोग भी आ जाते हैं जिनको क्रिटिकली सोचना भी नहीं आता। ऐसे लोग एजुकेशन चैनल बनाते हैं जो ज़्यादातर दूसरे के कंटेंट को कॉपी करते हैं या फिर मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये लोग एजुकेशन के नाम पर कुछ भी गलत सलत बोलते रहते हैं जो कि सोसाइटी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब जैसे कि हम ध्रुव राठी की एग्जाम्पल ले लें, हाँ वैसे तो बहुत ही वेल एजुकेटेड बंदा है, लेकिन उसने भी कई बार गलती की है। जैसे कि ध्रुव ने एक बार वीडियो में ये ओपिनियन दिया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फेल हो जाएगा क्योंकि उस पर साल में 1 मिलियन विजिटर्स भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन बाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहले एक साल में 2.9 मिलियन विजिटर्स आ गए थे। तब ध्रुव ने एक और वीडियो बनाकर कहा कि अभी तो विजिटर्स आ रहे हैं लेकिन ये नंबर बाद में गलत हो जाएगा। बट क्या हुआ, 4 साल के बाद डिस्पाइट कोरोना पेंडेमिक एंड लॉकडाउन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 10 मिलियन विजिटर्स नवंबर 2022 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इन वीडियो में ध्रुव कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बैड लाइट में दिखाना चाहता था। एक और वीडियो में ध्रुव ने हैप्पीनेस इंडेक्स की मेथोलॉजी को एकदम गलत तरीके से समझाया था, और जब उनको कैरोलिना गोस्वामी नाम के एक यूट्यूबर ने कॉल आउट किया तो उसने कैरोलिना को एकदम इग्नोर कर दिया, और इनफैक्ट उसने इस वीडियो को अभी तक डिलीट भी नहीं किया। क्या वो इस मूव से मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा दे रहा है? सोचने वाली बात है यहाँ पे। और अभी रिसेंटली केरला स्टोरी वाले वीडियो में ध्रुव राठी वन साइडेड पर्सपेक्टिव दिया। उसने वीडियो में ऐसा दिखाया कि जो भी फिल्म में बताया गया है, जो भी दर्शाया गया है वो बिल्कुल गलत है, और इसलिए यूट्यूब पर ध्रुव को स्ट्रॉन्ग रिबटल फेस करना पड़ रहा है। बहुत से लोगों ने उसको इस वीडियो के ऊपर क्रिटिसाइज किया। ध्रुव राठी को ऐसे ही कई बार बायस होने की वजह से कॉल आउट किया गया। उसने कई बार गवर्नमेंट को डिफेम करने के लिए बहुत ज़्यादा वन साइडेड पर्सपेक्टिव दिखाया है, और ऐसी कई मिस इन्फॉर्मेशन और बायस व्यूज हमारे देश और हमारी दुनिया के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
अगर हम बात करें YouTube से राइज किए हुए जर्नलिस्ट के क्वालिफिकेशन की तो आप हैरान हो जाओगे। ज्यादातर क्रिएटर्स के क्वालिफिकेशन इनके प्रेजेंट कंटेंट से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते। मैं ये वीडियो के एंड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये चारों स्तंभ विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका अपना अपना काम सही से कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि उनके कामकाज में कोई बुनियादी कमी सी आ गई है, या तो एक स्तंभ का काम दूसरे से लिया जा रहा है, या कोई स्तंभ स्वयं इतना पस्त हो गया है कि उसका किया अनकिया सब बराबर हो जाता है। आजकल केसेस अदालत में नहीं मीडिया ट्रायल्स में ज्यादा होते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जब कोई रेप केस होता है तो मीडिया बोलती है इसे मार दो, इसे खत्म कर दो, मीडिया ट्रायल्स। मैं बस यहां ये मैसेज देना चाहता हूं, देने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी यूट्यूब में आए, एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी आ सकता है, अच्छी बात है। बस ध्यान ये रखें कि हमें एक स्तंभ संभालने की जिम्मेदारी मिली है जिसको सही ढंग से निभाना पड़ेगा। हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम व्यूज के लिए नहीं, समाज के एक अच्छे रूप में दर्शा रहे हैं अपने कॉन्टेंट के थ्रू। और दोस्तों, मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूँ एंड फैक्ट्स एंड डेटा को रिप्रेजेंट करता हूँ अपने कॉन्टेंट में, और हो सकता है मुझसे भी कल कोई गलती हो जाए, हो सकता है आप मेरी किसी बात से आहत हो जाएं, दुख हुई हो जाएं, इसके लिए मैं आपसे पहले से ही माफ़ी मांगता हूं। देखिए, मुझे पता है कि आपका प्यार मिलता रहेगा और ये चैनल बढ़ता रहेगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का नमस्कार,